गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं राजवीर सर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नाउ टुडे इज 14 अगस्त, और 14 अगस्त को 14 अगस्त को हमारा पाकिस्तान जो है वो अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है, और कल हमारा इंडिपेंडेंस डे है। और इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को पहले से ही बहुत बहुत हमारी तरफ से, मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ। और इस आज़ादी को पाने के लिए हमने बहुत सारे संघर्ष किए, सब लोग जानते ही हैं, और हमें अपने देश के लिए एक प्रॉपर दिन ही नहीं, हर दिन उसके लिए ईमानदार रहना और उसके लिए कुछ करने की भावना हमारे हमेशा दिल में रहनी चाहिए। और हम लोग अपनी ड्यूटी को ही अच्छे से फॉलो करें तो आई थिंक यही हमारे लिए सच्ची राष्ट्रभक्ति होगी, जो हम लाइफ में करना चाहते हैं ईमानदारी से उसको, उसके लिए डेडिकेट रहें, समर्पित रहें, तो यही हमारे लिए सच्ची देशभक्ति होगी और हमारे शहीदों के लिए श्रद्धांजलि होगी। अपने ड्यूटी को ईमानदारी पूर्वक और कर्तव्य परायणता से निभानी चाहिए अपनी ड्यूटी को। ये आज के वीडियो हम लोग बात करेंगे एनर्जी और पावर के बारे में। बहुत से हमारे स्टूडेंट एनर्जी और पावर को कभी कभी एक जैसा मान लेते हैं, और इसकी वजह से वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर तो गलतियाँ करके आते ही आते हैं। और वैसे भी हमारे कोई 9th-8th क्लास का कोई हमारा बच्चा है और भी कोई भी स्टूडेंट है तो वो गलती कर देता है। ये छोटे छोटे वीडियो लाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप गलती ना करें। और यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, तो बिल्कुल आपके वो क्लियर हो जाए। तो अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन हमारा आता है, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें साइंस पूछी जाती हो बस, तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स का हमारे पास कमेंट है कि सर इसमें डायमेंशन और आप बता दीजिए किया करिए। तो मैं अब डायमेंशन जो भी चीज़ है उसकी और लिखा किया करूँगा। डायमेंशन मतलब बीमा, तो ठीक है। तो ये जो टॉपिक है हमारा, कोई भी जो एग्ज़ाम होगा जिसमें साइंस आएगी तो बिल्कुल पूछे जाएंगे यहाँ से क्वेश्चन, तो हम बिल्कुल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को कवर करेंगे। देखिए, एनर्जी को हम ऊर्जा कहते हैं और हमारी पावर शक्ति होती है। दोनों बच्चे एक जैसी चीज़ें मान लेते हैं लेकिन एक जैसी नहीं है। एनर्जी को हम लोग कभी कभी सामर्थ्य भी कह देते हैं, ऊर्जा को सामर्थ्य। सामर्थ्य ये एनर्जी को कह देते हैं कभी कभी। ऊर्जा, ठीक, एनर्जी। एनर्जी है क्या या सामर्थ्य क्या है? किसी भी व्यक्ति की कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम कहते हैं सामर्थ्य। कार्य करने की क्षमता को सामर्थ्य कहते हैं। और कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। वहाँ पे दर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्षमता जुड़ा हुआ है। दर शब्द का मतलब होता है कि कितने समय में कोई चीज़ हो रही है। तो काम है तो कितने समय में कोई काम हो रहा है, हमें टाइम को इंक्लूड करना होगा, टाइम को शामिल करना होगा। जो इंसान थोड़े समय में ज़्यादा काम कर रहा है उसकी पावर ज़्यादा है, उसकी हम सामर्थ्य या एनर्जी ज़्यादा नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? कि उसकी पावर ज़्यादा है। थोड़े समय में ज़्यादा काम कर रहा है तो क्या कहेंगे? उसकी पावर ज़्यादा है, उसकी शक्ति ज़्यादा है।
लेकिन उसकी ऊर्जा ज़्यादा नहीं कहेंगे, समझ रहे बात। कोई आदमी पूरे दिन काम कर रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी पावर ज़्यादा है। अगर दो आदमी पूरे दिन काम कर रहे हैं, नहीं नहीं एक आदमी ने पूरे दिन में जो काम किया, दूसरे आदमी ने आधे दिन में वो काम कर दिया, तो जिसने आधे दिन में काम किया हम कहेंगे कि उसकी शक्ति ज़्यादा है, उसके कार्य करने की रेट ज़्यादा है, उसके काम करने की रेट ज़्यादा है। तो रेट अगर ज़्यादा है तो वही शक्ति, मतलब रेट जो ज़्यादा है तो हम कहेंगे शक्ति ज़्यादा है। तो काम करने की जो रेट है, जो दर है, उसको कहते हैं शक्ति, और काम करने की जो क्षमता है उसको कहेंगे एनर्जी, ऊर्जा या सामर्थ्य भी कहेंगे। ठीक, द कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसको एनर्जी कहेंगे। और हमारी रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट टू डू वर्क, जो हमारी रेट है काम करने की, उसको हम पावर कहेंगे। रेट टू डू वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक, समझ में आ गई सब चीज़ें। अब हम लोग एनर्जी का जो फार्मूला होगा, या एनर्जी या सामर्थ्य कहें या कार्य कहें, मतलब ऊर्जा या सामर्थ्य कह रहे हैं, तो उसका जो कार्य का जो फार्मूला होता है वही हमारी एनर्जी का फार्मूला या सामर्थ्य का फार्मूला हो, वही मात्रक होगा और वही विमा होगा। तो पहले हम एनर्जी का फार्मूला, उसकी उसका यूनिट यानी मात्रक, उसकी डायमेंशन यानी विमा देख ले रहे हैं। ठीक है, एनर्जी को हम वर्क भी कह सकते हैं, क्योंकि कार्य ऊर्जा हमेशा एक दूसरे में बदलते रहते हैं। तो जो कार्य के फार्मूला भाई एनर्जी के, ठीक है, तो एनर्जी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमारा वर्क का फार्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये तो फार्मूला हमारा एनर्जी का रहेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा, ठीक, डिस्टेंस वही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट जो भी एनर्जी हो। इसके बाद इसका अगर यूनिट की बात कर रहे हैं हम, तो देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है, इसका केजी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फोर्स का होता है यूनिट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर, ये दूरी तो है, डिस्प्लेसमेंट एक तरीके विस्थापन जिसे हम कहते हैं, तो ये बल का फार्मूला हो गया, और ये इधर विस्थापन का मीटर, तो किलोग्राम मीटर, यहाँ मीटर, यहाँ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, फार्मूला बना किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और स्टूडेंट कभी कभी हम सेकेंड स्क्वायर को ऊपर लाते हैं तो पावर हो जाती है हमारी माइनस की, कभी कभी ऐसा लिखा मिल जाता है आपको, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर माइनस टू, ये लिखा मिल जाता है हमको। तो बिल्कुल आपको परेशान होने की बात नहीं है, सब कुछ दिख रहा है ना, आई होप दिख रहा है, ठीक, ये ऐसा लिखा मिल जाता है। कुछ स्टूडेंट हमारे कह रहे होंगे कि सर कि फोर्स का जो हमारा मात्रक होता है वो न्यूटन भी होता है। हाँ बिल्कुल न्यूटन होता है, तो हम इसको न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन मीटर लिखेंगे, तो न्यूटन मीटर भी हो सकता है, लेकिन ये फार्मूला आपका बहुत, मतलब मात्रक यूनिट बहुत कम यूज होगा न्यूटन मीटर, ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट के लिए। न्यूटन मीटर हमारा एक होता है आघूर्ण, उसके लिए भी फार्मूला यही आता है लगभग, तो उसके लिए न्यूटन मीटर चलता है, लेकिन एनर्जी के लिए हम न्यूटन मीटर नहीं चलाते हैं। एनर्जी कार्य के लिए हम लोग किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ये कार्य के लिए चलाएंगे। दूसरा यहाँ पे ये बहुत रेयर केस में ये भी आता है, कम आता है, लेकिन आपको एग्ज़ाम के हिसाब से ध्यान ही रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है, तो बिल्कुल आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जा सकता है। वो कह देंगे कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का एक फार्मूला नहीं है, तो हम कई लिखे दे रहे हैं, मात्रक नहीं है, फार्मूला नहीं, मात्रक, एक तो हमने लिख दिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, एक लिख दिया न्यूटन मीटर, एक हम लोग और यहाँ जो ज़्यादा आता है वो जूल,
जूल, तो जूल भी इसी का होता है। अब जूल कभी कभी पूछ ले कि जूल किसके बराबर है, तो जूल किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है जूल, ठीक। तो जूल हमारे किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये बात आप समझ गए। ये मात्रक हो गया आपका, यूनिट जिसे हम कह रहे हैं मात्रक। उसके बाद डायमेंशन आदि, इसको हम बीमा कहते हैं डायमेंशन। इसको हम बीमा कहते हैं। डायमेंशन कैसे निकालते हैं, देखिए जो फार्मूला है हम इससे निकाल सकते हैं, जो हमारा मात्रक है फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। फोर्स की पहले याद करो, फोर्स की या फार्मूले से देखो, फोर्स की जो बीमा होती है वो आपको याद करनी पड़ेगी। मैं वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ देख लेना। एम एल टी की पावर माइनस टू, बड़े ब्रैकेट में जो फोर्स की बीमा हो गई, ठीक है। हमेशा हमारा ये जो है बिगेस्ट ब्रैकेट है वो लगता है, ग्रेटेस्ट ब्रैकेट जो है वो सबसे बड़ा, ये फोर्स की डायमेंशन हो गई, बीमा हो गई। डिस्प्लेसमेंट की होती है वो एल, ठीक है बेटा। दोनों की इंटू हो जाएगी तो हमारी बन जाएगी एम एल, एल स्क्वायर हो जाएगा। एल ये क्या, ये क्या, एल स्क्वायर और टी की पावर माइनस टू, ये इसकी हो गई डायमेंशन। किसकी, एनर्जी की हमारी डायमेंशन हो गई है, ठीक है, एनर्जी की डायमेंशन हो गई। तो हमने ये मात्रक देखे, ये सब हमारे मात्रक थे इसके। जूल ज़्यादा यूज होगा आपका कार के लिए भी, एनर्जी के लिए ज़्यादा जूल चलता है, लेकिन याद सब होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में उन्होंने तीन ये डाल दिए मात्रक। कहा कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है या कार्य का मात्रक नहीं है, तो एक और वो दूसरा डाल देंगे, ठीक है। तो आपको ये तीन ध्यान ही रखने हैं, चाहे आप कोई सा एग्जाम देने जाओ, ठीक। डेफिनेशन अगर मैं बात करूँ एनर्जी की, तो मैं लिखे दे रहा हूँ, कैपेसिटी टू डू वर्क, टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यहाँ पे ऐसा द कैपेसिटी, ठीक है, टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। हिंदी में आप करिए लोगे, काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये हो गया ऊर्जा के बारे में सब कुछ। सब कुछ तो नहीं, वैसे ऊर्जा हमारी, इसके बारे में तो हम बहुत कुछ और जान सकते हैं कि ऊर्जा कि बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बहुत तरीके की एनर्जी होती है हमारी। काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा जिसे कहते हैं हमारी, पोटेंशियल एनर्जी जिसको मिथिज ऊर्जा कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में ये दोनों आ जाती है फिलहाल, ठीक है। और हमारी वेव एनर्जी, साउंड एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी बता दिया है, केमिकल एनर्जी, तो बहुत तरीके की हमारी एनर्जी होती है, लेकिन अभी हम वो सारा नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ जान रहे एनर्जी है क्या। तो जान लिया हमने, इसके बाद हम लोग जानेंगे पावर को। पावर जिसको हम हिंदी में कहते हैं शक्ति, शक्ति क्या बोलेंगे, शक्ति। पहले डेफिनेशन जो हमने बताई वो लिखे दे रहे हैं, द रेट टू डू वर्क, ये टू लिखा है भैया समझ में आ जाएगा आपके, डू वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। द रेट टू डू वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट कैसे, जैसे जो काम है वर्क, इसके अपान में हम टाइम कर दें तो इस पूरी चीज को कहेंगे पावर, पी से डिनोट करेंगे। आर यू प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। चलिए पावर हो गया हमारा। अगर टाइम को एक मान लेने हम यहाँ पर, टी इज इक्वल टू एक, इफ टी इज इक्वल टू वन,
तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा W, P और W एक, यानी काम और पावर बराबर हो जाएंगे जब टाइम हम एक लेते हैं। तो डिफिनीशन ऐसे कह सकते हैं कि पर यूनिट टाइम में जो हमारा काम किया जाता है उसी को पावर कहते हैं, पर यूनिट टाइम में जो हमारा काम किया जाता वही पावर है, कि कितने समय में कितना कार्य यही चीज़ है। जैसे घर में हमने बताया थे एक बार एग्जांपल दिया था, वही पुराना एग्जांपल रिपीट करें कि पांच लोग हैं 30,000 रुपये कमा के लाते हैं तो हर एक आदमी का कितना पड़ गया 6,000 पड़ गया। वैसे यहाँ पर एक टाइम को कितना काम मिलेगा, तो टाइम से डिवाइड करना होता है पावर के लिए। समझ गए बात, आई होप समझ गए होंगे, इतने ना समझ भी नहीं हो। अगर हम मात्र की बात करें, बच्चों प्यारे यूनिट की बात करें, इसको मात्रक बोलेंगे ना, तो वो क्या होगा, कार्य का मात्रक लिख दो भाई। कार्य का मात्रक क्या होता है, अभी बनाया था क्या, जूल लिखे दे रहे पहले शॉर्ट वाला जूल, और टाइम का सेकंड जूल पर सेकंड। किसका मात्रक हुआ, पावर का मात्रक हुआ जूल पर सेकंड। और प्यारे बच्चों जूल पर सेकंड को एक नया नाम देते हैं वाट, क्या कहते हैं वाट, वाट, समझ गए प्यारे बच्चों। तो वाट किसके इक्वल है, जूल पर सेकंड के। तो वाट किसके इक्वल है, जूल पर सेकंड के, ठीक है बेटा। तो वाट किसका मात्रक है आपसे पूछा जाए तो शक्ति का, जूल पर सेकंड किसका मात्रक है तो वो भी किसका, शक्ति का। ऐसे कुछ चीज़ें और यहाँ पर दे दी होती हैं, जैसे एक किलो वाट, तो एक किलो वाट क्या 1000 वाट, इंग्लिश में ही लिख रहे हैं वाट, 10^3 वाट भी कहते हैं, ठीक है वाट, WT वाट। ऐसे मेगा वाट होता है 1 मेगावाट, मेगावाट तो वो हो जाता 10^6 वाट, 10^6 वाट, यानी कि 10^6 वाट का मतलब 1 करोड़, यही हुआ ना, 1 करोड़ वाट बन जाएगा 1 मेगावाट में, ठीक। चलो एक ऐसे ही हमारा यहाँ पे आता है मात्र किलोवाट घंटा, किलो वाट आवर, किलो वाट घंटा, तो पूछ लिया जाता किलो वाट घंटा किसका मात्रक है। प्यारे बच्चे यहाँ पे वाट लगा है तो आप समझ सकते हो कि शक्ति का मात्रक है, मतलब आपका दिमाग ये कह देता है, लेकिन ये जो किलो वाट घंटा है ये शक्ति का मात्रक नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखना ऊर्जा का मात्रक है, एनर्जी का मात्रक है, एनर्जी का, ठीक है, किलोवाट घंटा एनर्जी का मात्रक है। एक घंटे में जितनी एनर्जी हमारी खर्च की जाती है किसी भी विद्युत उपकरण द्वारा, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट द्वारा, वो एनर्जी की मात्रा 1 किलोवाट कही जाती है या कहलाती है, और इसको एक यूनिट भी कहते हैं, क्या कहेंगे, यूनिट, किलोवाट घंटा को ही हम, इसका दूसरा नाम है यूनिट, ठीक है। जो हम कहते हैं कि घर में 1 यूनिट का रेट क्या होता है, या घर में हमारे 1000 यूनिट खर्च हो गई हैं, तो वो यूनिट ही क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है, समझ गए बात। लेकिन वो शक्ति का मात्रक नहीं है, ऊर्जा का मात्रक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसकी डायमेंशन और देख लेते हैं, पावर की डायमेंशन, ये सारी चीज़ लिख लेना, हम डायमेंशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वीडियो रोक के तो लिख सकते हो आप लोग। डायमेंशन जिसको हम बीमा कहेंगे, डायमेंशन बीमा, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, फार्मूले से निकाल लेंगे। पी की जो डायमेंशन है अभी जो निकाली थी कार की या एनर्जी की, वो क्या थी, m l square t-2, ठीक है, और यहाँ पर
टी की मतलब टाइम टाइम के लिए ये टाइम है, यहाँ पे बीमा उसकी टी लिखी जाती है कैपिटल टी। तो हमने एक वीडियो बनाया होगा भौतिक राशियों के लिए फिजिकल क्वांटिटीज, तो वहाँ पे आप जाकर के सारी चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले वर्क की जब हमें पता होगी तो अपने आप हम वर्क के यहाँ लिख देंगे, नीचे समय की जो बीमा होती है वो टी होती है, टाइम लिखते हैं कैपिटल, तो टी ऊपर जाएगी, टी है बेटा ऊपर जाकर की पावर माइनस टू, एक जे जाएगी तो जे भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तीन हो जाएंगे पावर थ्री हो जाएंगी, तो यम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ये हमारी आगे इसकी डायमेंशन आ गई है, इसकी बीमा आ गई है। तो समझ लो भाई, और कोई डाउट है तो आप देख लिया ना, आपने समझ लिया पता। तो कोई डाउट अगर है आपके तो आप कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और कोई आपको सुझाव चाहिए, कोई जानकारी आप और चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, लेकिन इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही हो। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, बाय बाय।